गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ रितेश राउत, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। और सब्जेक्ट नेम इज़ रूरल डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट कोड इज़ 22505। वी विल सी यूनिट 2, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, टॉपिक 2.4 विच इज़ रेन लेआउट एंड कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन एंड लिफ्ट इरीगेशन। Our mission of a program is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission is to imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. Our learning outcome is in which course outcome is identify the need of watershed management in rural areas. Unit outcome is draw the layout of given type of irrigation system showing components parts for the given site condition. PO implementation. Our PO is mapped is PO1, basic discipline and knowledge, PO3, design development of solutions, PO4, engineering tools experimentation and testing, PO7, lifelong learning. Now, what is drip irrigation? It is a method of irrigation used for the small areas of the field and comes under micro irrigation scheme. Drip irrigation kya hai? Hum ye dekhenge abhi. It is a method of irrigation. Matlab ye pani provide karne ka, collect karne ka aur usko field mein, matlab jahan pe kheti baadi hai, wahan tak pahunchane ka jo tarika hota hai, uske liye use kiya jata hai aur ye small areas ke liye use kiya jata hai. ना कि वेरी बहुत ज़्यादा बड़े एरिया के लिए यूज़ नहीं किया जाता, छोटे एरिया के लिए यूज़ किया जाता, जैसे 2-4 acres की ज़मीन है इसके लिए. इन ड्रिप इरीगेशन वाटर इज सप्लाइड टू क्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट जोन. इसमें क्या होता है, जो भी हमारी फसल है उसकी जो रूट्स है, ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे पानी प्रोवाइड किया जाता है. कैसे किया जाता है हम आगे देखेंगे. अब यह है लेआउट ऑफ ड्रिप इरीगेशन. अब इसमें आप देख सकते हो कि पानी का सोर्स ऑफ वाटर स्टोरेज है, जहाँ से पानी ला रहे हैं. या तो हम रेन वाटर हार्वेस्ट किया हुआ पानी ला सकते हैं, जो कि हम जमा करते हैं बारिश का पानी एक आर्टिफिशियल पॉन्ड में, या तालाब से ला सकते हैं, या कैनल से, या फिर रिवर स्ट्रीम से. इस तरीके का जो भी सोर्स है वहाँ से हम पाइप पानी लेंगे पंप की मदद से, ठीक है, जिसे मेन लाइन कहा गया है, देख सकते हैं आप. उसके बाद में एक फर्टिलाइजेशन टैंक होगा. फर्टिलाइज़र आप सबको पता है, खाद, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, वो फसल को देना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि अच्छी से अच्छी फसल उत्पाद हो सके और ज़्यादा अमाउंट में उसका प्रोडक्शन हो सके, ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन टैंक में पानी के साथ फर्टिलाइज़र मिला दिया जाता है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, ठीक है. उसके बाद में फिल्टर है, जो भी बड़ा बड़ा कचरा होता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे फिल्टर हो जाता है ताकि सिर्फ न्यूट्रिएंट से भरा पानी ही वहाँ से निकल सके. वाटर मीटर दिया गया हुआ है, ठीक है, ताकि कितने प्रमाण में कितने यूनिट में पानी जा रहा है वो हम देख सकें. फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट में आपको एक लाइन दिखेंगे जिसे सब मेन कहा गया है, ठीक है, और उससे छोटे छोटे बहुत सारे पाइप्स दिखेंगे आपको जिसे लैटरल्स कहा जाता है, ठीक है. और वो लैटरल्स में जहाँ से पानी निकलेगा उसे एमीटर्स कहा जाता है, नोजल्स जहाँ पे होता है, जैसे नल होता है, ठीक है. नल डायरेक्टली नल से टंकी का पानी जुड़ा नहीं होता है, टंकी से जो एक मेन पाइपलाइन निकलती है, ठीक है, उसके बाद में उससे कई पाइपलाइन निकलती है, जैसे वॉशरूम के लिए या फिर कार वॉश के लिए, या फिर सामने आंगन में हमको पाइप लगाना है, ठीक है. तो इस तरीके से वैसे यहाँ पर भी एक मेन लाइन है जिसे सब मेन कहा गया, ठीक है, उससे लैटरल्स निकले गए हैं, मतलब वो भी पाइप्स है, और वो पाइप से छोटे छोटे एमीटर्स देख सकते हैं आप, ठीक है. वो जहाँ जहाँ पर एमीटर्स है वहाँ वहाँ पे एक एक प्लांट लगा हुआ है ताकि डायरेक्टली रूट को पानी मिल सके. ये हो गया लेआउट ऑफ ड्रिप इरीगेशन. नाउ अब इस फोटो में आप देख सकते हो कैसे एक स्टोरेज है, ठीक है, 20-25 liters का ये बकेट में दिया गया है. यहाँ पे अगर हम देखते हैं नल लगाया हुआ है, ठीक है, और वो पानी ये बहुत ही छोटे प्रमाण में किया गया हुआ है. तो यहाँ से जैसे ये सब मेन पाइप बोल सकते हैं, और ये जो है दो वो लैटरल बोल सकते हैं हम, ठीक है. और यहाँ से एमीटर्स
निकले गए हैं छोटे छोटे वायर्स, ठीक है, छोटे छोटे पाइप्स जिसमें डायरेक्टली रूट जोन में पानी मिलेगा। जिससे अभी कंपोनेंट पार्ट्स क्या होंगे, एक तो होगा स्टोरेज टैंक जहाँ पे पानी स्टोर होगा और वहाँ से हम पानी ले पाएंगे, एक हो गया पंप जिसकी मदद से हम पानी प्लांट्स तक पहुँचा पाएंगे, फिर हो गया मेन लाइन, फिर हो गया फर्टिलाइज़र टैंक, फर्टिलाइज़र टैंक में फर्टिलाइज़र डालेंगे ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स वाला पानी मिल सके, फिल्टर, फिल्टर से जो बड़े बड़े कचरे हैं वो निकाल लिया जा सके, देन सब मेन लाइन, लैटरल्स और एमिटर्स, जिससे डायरेक्टली एमिटर से डायरेक्टली हमको पानी ड्रिप बाय ड्रिप प्लांट्स के रूट जोन में प्रोवाइड होगा, इसलिए उसे ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। ना इसके फ़ायदे क्या है, ड्रिप इरिगेशन इज़ द मोस्ट इफिशियंट वाटर एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ये बहुत ही इफिशियंट है, फ़ायदे वाला है, इससे पानी वेस्ट नहीं होता है, पानी की बर्बादी नहीं होती है, और जहाँ पे पानी चाहिए रूट जोन में वहीं पे मिलता है प्लांट्स के उनको ग्रो होने के लिए, बाकी जगह पे जहाँ ज़रूरी नहीं है ज़मीन में वहाँ पे पानी नहीं मिलता गिरता। एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम, अभी आपने जैसे देखा था कि हमने एक खाद के लिए अलग से प्रोविज़न किया हुआ है, ठीक है, फर्टिलाइज़र टैंक हमने दी थी जिसमें फर्टिलाइज़र डालने के बाद में पानी के साथ मिक्स करके देन हम प्रोवाइड कर रहे थे। इट डिलीवर्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू द प्लांट्स रूट्स जोन, डायरेक्टली हम पौधे के रूट में पानी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द राइट अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सही मात्रा में, ठीक है, एट द राइट टाइम, सही समय पे, सो ईच प्लांट गेट्स एग्जैक्टली व्हाट इट नीड्स एंड व्हेन इट नीड्स इट टू ग्रो ऑप्टिमली, मतलब सही तरीके से उसका ग्रो होने के लिए सही समय पे सही मात्रा में हम उसको पानी प्रोवाइड कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के मदद से। फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट लॉस इज़ मिनिमाइज्ड ड्यू टू अ लोकलाइज्ड एप्लीकेशन एंड रिड्यूस लीचिंग। अभी क्या होता है, दूसरे अगर हम चीज़ें देखते हैं पानी डालने का तरीका, तो नहर बनाते हैं डायरेक्ट पानी डाल देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, अगर न्यूट्रिएंट वाला पानी हो तो सारी जगह बह जाता है, ठीक है, प्लांट में भी मिलता है लेकिन डायरेक्टली स्पेशली उस प्लांट के रूट्स को नहीं मिल पाता पूरी तरीके से, तो उससे वेस्टेज भी होता है, ज़्यादा खर्चा भी पड़ता है, इफ़िशियंट भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये बहुत इफ़िशियंट है, मतलब टिपिकली हमें जहाँ पे न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र और पानी प्रोवाइड करना है वहीं पे प्रोवाइड कर पाते हैं। वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी इज़ हाई एंड इफ़ मैनेज करेक्टली फील्ड लीविंग इज़ नॉट नेसेसरी, लेवलिंग इज़ नॉट नेसेसरी। अभी हम देख सकते हैं कि इसमें लेवलिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे ड्रिप के जो पाइप्स है जो कि लैटरल्स है, ठीक है, वो उसी तरीके से बिछा के जहाँ जहाँ पे प्लांट्स है, एक लाइन स्ट्रेट भी नहीं रही और थोड़ा ऊंच नीच भी रही तो भी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है, फील्ड में। नाउ स्प्रिंकलर में क्या होता है वो देखेंगे हम। दिस इज़ आल्सो मेथड ऑफ माइक्रो इरिगेशन, ये भी एक माइक्रो इरिगेशन का ही तरीका है, बहुत बड़े फील्ड में नहीं बट एक नॉर्मल से 4-5 एकड़ के ऐसे कर सकते हैं यूज़। इरिगेशन यूज टू स्प्रिंकल वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन ऑन द क्रॉप्स, ठीक है, वाटर इज स्प्रिंकल यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स फिटेड विद नोजल। अब देखते हैं कैसे इसका लेआउट है, ठीक है, अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक वाटर सोर्स है जो कि उसमें भी था, पंप है, ठीक है, पंप से हम देख सकते हैं कि एक पाइप है और वो पाइप से फिर से लैटरल्स निकले हुए हैं जैसे उसमें भी था, लेकिन उसमें लैटरल्स दिए हुए थे ड्रिप इरिगेशन में और लैटरल से जो नोजल्स थे, ठीक है, एमिटर्स थे वो डायरेक्टली रूट जोन में दिए गए हुए थे, पर यहाँ पे वैसा ना करते हुए हम देख सकते हैं राइजर पाइप, जो आप खड़े खड़े पाइप देख सकते हो इनका नाम दिया गया है राइजर पाइप, तो वो राइजर पाइप लगाया गया हुआ है और उसके ऊपर नोजल्स लगाए हुए हैं, तो वो उसकी मदद से स्प्रे होता है पानी चारों तरफ, वो गोल गोल घूम सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सक्सेड है, ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन वर्क कर रहा है फील्ड में, ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी हम आज की टेक्नोलॉजी की मदद से एक टाइम लगा सकते हैं, वो टिपिकली वही टाइम पे ओपन होके चारों तरफ पानी दे सकता है।
जहाँ पे पानी की मात्रा मतलब अच्छे प्रमाण में है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही, जैसे बरसात बहुत कम है, पानी की बहुत किल्लत है और बहुत इफ़िशेंट हमें फार्मिंग करनी है, तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे अगर थोड़े अच्छे मात्रा में पानी है, बारिश बरसात भी अच्छी आती है, तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ये लेआउट है स्प्रिंकलर इरिगेशन का, जैसे वाटर सोर्स है, पंप है, ठीक है। अभी यहाँ से कैसा स्प्रे होता है पानी, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में ड्रिप बाय ड्रिप पानी जाते रहता है, पर यहाँ पे फोर्सफुली पानी देना है तो यहाँ पे प्रेशर गेज भी दिया गया हुआ है, प्रेशर नोटिस करने के लिए या मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में फिल्टर दिया गया हुआ है, उसके बाद में फिर फर्टिलाइज़र टैंक है, इसमें फर्टिलाइज़र मिला के हम ये कर सकते हैं। देन यहाँ पे जैसे सब मेन लाइन, फिर लैटरल पाइप, और फिर उसके साथ में राइजर पाइप भी दिया गया हुआ है, ठीक है। और राइजर पाइप के ऊपर में स्प्रिंकलर हेड है जहाँ पे नोजल्स दिए गए हुए हैं, ठीक है। और ये एंड प्लग है ताकि पानी दूसरी तरफ से बह ना जाए। अब इसके कंपोनेंट पार्ट्स में क्या आएगा, वाटर सोर्स, पंप, अभी एक्स्ट्रा का क्या हो गया, इसमें प्रेशर गेज आ गया है, ठीक है। देन फर्टिलाइज़र टैंक, मेन लाइन, सब मेन लाइन, लैटरल पाइप और स्प्रिंकलर हेड, नोजल्स, ठीक है। अभी इसका एडवांटेजेस देखेंगे। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड कंडीशन एक्सेप्ट हेवी क्ले सॉइल। ज़्यादातर हेवी क्ले जो सॉइल होती है, ठीक है, ठीक है, उस वो बह जाती है, इसलिए उसको छोड़ के जो बाकी की नॉर्मल कंडीशंस है वहाँ पर ये सब जगह यूज़ हो पाता है। उसके बाद में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विथ हाई एफिशिएंसी। अब ये कैसा चारों तरफ घूमता है उसके नोजल्स, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करता है पानी को, सब जगह बराबर से पहुंचाता है, ठीक है, विथ हाई एफिशिएंसी। लेस मतलब हाई एफिशिएंसी मतलब सब एरिया कवर हो जाता है इससे, ठीक है, कोई भी एक एरिया छूटता नहीं है, ठीक है, उससे अच्छी फार्मिंग के लिए मदद होती है। लेस लैंड लॉस प्रोवाइड्स मोर लैंड एरिया फॉर कल्टिवेशन। इसमें कोई ज़मीन की ज़्यादा उपयोग ये नहीं होता है कि यहाँ पे हमने कोई बहुत बड़ा प्लांट लगा दिए वगैरह, मशीनरीज लगा दिए, इसमें ओनली लैटरल पाइप, सब मेन पाइप और जो स्ट्रेट वर्टिकल पाइप्स थे, ठीक है, वो थे और नोजल्स, इसके मदद से हम ये कर सकते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। लॉस ऑफ वाटर इज़ मिनिमम, एक्यूरेट एंड ईजी मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग मैनी एरियाज ऑफ योर फील्ड फॉर सेटिंग अप फॉर द स्प्रिंकलर इरीगेशन। वही जैसे पहला इसमें कहा गया था कि तीसरे पॉइंट में कि ज़्यादा एरिया नहीं लगता है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर ये इस तरीके के एडवांटेजेस है स्प्रिंकलर इरीगेशन के। लिफ्ट इरीगेशन टू कैरी वाटर बाय मीन्स ऑफ पम्प्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर टू द मेन डिलीवरी चैम्बर विच इज सिचुएटेड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अब लिफ्ट इरिगेशन से ही समझ में आता है कि पानी को हमको लिफ्ट करना है, ठीक है, मतलब उठाना है, मतलब कैसे, कहीं कहीं एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे पहाड़ी एरिया होते हैं, ठीक है, पानी होता है नीचे और हमें जैसे खेती करनी है थोड़े हिली रीजन में, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें लिफ्ट इरिगेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसमें आगे देखेंगे हम इसका कैसा लेआउट है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर सोर्स और यहाँ पे पंप लगा, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, ठीक है, तो वो पानी को खींच के जहाँ पे हमें चाहिए ऊपर वाटर स्टोरेज में, वहाँ पे वाटर स्टोर होता है और फिर जहाँ पे जिस फील्ड में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि नीचे दिया गया हुआ है वाटर लेवल, ठीक है, एक रिवर है, रिवर का वाटर लेवल दिया गया है, एक टॉप मोस्ट और एक मिनिमम वाटर लेवल, और उसके नीचे लगाया गया हुआ है इनटेक वेल, ठीक है, ये हमने लगाए हुए हैं, आर्टिफिशियल है ये, इससे कैसे अगर इतना भी पानी रहा मिनिमम तब भी हमको पानी मिल पाएगा, और फिर जैक वेल की मदद से, सक्शन पाइप की मदद से और सेंट्रीफ्यूगल पंप की मदद से, ये सब मिला के क्या हो गया, पंपिंग हाउस क्रिएट हुआ है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसमें जैक वेल है और सक्शन पाइप है, उसकी मदद से ये पानी को हम डिलीवरी चैम्बर तक पहुँचाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा है, वो बाद में आगे फॉरवर्ड करेगा ऑन फील्ड में जहाँ पे पानी की ज़रूरत है। इसके कंपोनेंट पार्ट्स, इनटेक पाइप, जैक वेल और पंप वेल, पंप हाउस,
राइजिंग मेन एंड एसेसरीज, डिलीवरी चेंबर, डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर, ऑन फार्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. द पंपिंग सिस्टम इक्विपमेंट कंप्राइजेज ऑफ पम्प्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंजिन्स, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड फिटिंग्स, ट्रांसफार्मर एंड पावर कनेक्शन एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस. तो इस तरीके से बताया गया है कि लिफ्ट इरिगेशन में हमें कंपोनेंट पार्ट्स में क्या क्या यूज़ होगा और किस तरीके से ये वर्क करेगा. इसके फायदे क्या है? लिफ्ट इरिगेशन मेड इरिगेशन पॉसिबल एट हायर लेवल. अब जैसे कि मैंने बताया था, ऊंची जगह पे भी खेती हो सकती है अगर इस तरीके का कुछ इरिगेशन अप्लाई अवेलेबल हो तो. ठीक है, तो ये आसान करता है, हमें पॉसिबल करता है. ठीक है, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम इज लेस. तो कैसा होता है कि लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है. ठीक है, जिसमें से अभी हम जैसे देख सकते हैं जो खेती बाड़ी के लैंड होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर नीचे ही होते हैं ग्राउंड लेवल पे ही, पर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी पहुँच नहीं पाता है. ठीक है, पानी बह जाता है, बारिश भी आती है तो भी पानी बह जाता है, उसको रोकने के लिए कुछ रहता नहीं, तो इसलिए पानी ज़्यादातर नीचे पॉन्ड्स में जमा हो जाता है. तो उस पानी को अगर हम लिफ्ट इरीगेशन से ऊपर लाए और खेती करें तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा. ठीक है, रोज़गार भी मिलेगा. ठीक है, वाटर लॉसेस आर लो, पानी की जो किल्लत है वो कम हो जाएंगी. ठीक है, मैन पावर इज़ लेस यूज्ड, सब काम मशीन से ही हो जाता है तो इसमें मैन पावर कम यूज़ होगा. ठीक है, लिफ्ट इरीगेशन हेल्प्स ब्रिंग इरीगेशन वाटर टू द फील्ड्स दैट आर नॉट एडजेसेंट टू द सर्फेस वाटर रिसोर्सेज सच एज रिवर, लेक और कैनल. और ये उस जगह पे भी यूज़ हो सकता है जहाँ पे पानी का जो सोर्स है वो खेती के जो लेवल है उस पे ना हो. ठीक है, उससे नीचे हो, तो उस जगह पे भी ये यूज़ हो सकता है. नाउ समरी, हमने क्या क्या सीखा? लेआउट एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ड्रिप इरीगेशन, लेआउट एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन, लेआउट एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ लिफ्ट इरीगेशन. नाउ दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 5. उसमें क्या रहेगा? स्टेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिफ्ट इरीगेशन, वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरीगेशन, लेआउट एंड कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ड्रिप इरीगेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रिप इरीगेशन एंड ड्रॉ अ लेआउट ऑफ ड्रिप इरीगेशन. थैंक यू.